हेलो गाइस, आपका स्वागत है प्रेगनेंसी सीज के 13th वीडियो में। आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी में कौन सा टेस्ट कराना जरूरी, इसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दूंगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर फर्स्ट टॉपिक है डॉक्टर से कब मिले। डॉक्टर से प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के अंत में मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे माह में के अंत तक आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं और इस सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर आपको टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। वह दूसरा टॉपिक है प्रेग्नेंट महिलाओं को तीसरे महीने में कौन कौन से टेस्ट कराना जरूरी है। नंबर फर्स्ट है CBS टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इस टेस्ट से तो आपके स्वास्थ्य का पता लगाया जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट है, इसका कॉस्ट 250 से 300 रुपये होता है। दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट है। ये टेस्ट थायराइड का पता लगाने के लिए किया जाता है, एक ब्लड टेस्ट है, इसका कॉस्ट है 150 से 300 रुपये। तीसरा है RBS, रेंडम ब्लड शुगर टेस्ट है। ये टेस्ट है एक ब्लड शुगर टेस्ट है, इसे ब्लड शुगर का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, ये एक ब्लड टेस्ट है, इसका कॉस्ट है 100 से 300 रुपया। UGC RM टेस्ट है, ये एक यूरिन टेस्ट है, इसे किडनी या इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसका कॉस्ट है 100 से 150 रुपया। तीसरा HIV टेस्ट है, इसे HIV या एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एक वायरस टेस्ट है, इसका कॉस्ट है 100 से 150 रुपये, ये एक ब्लड टेस्ट है। छठवा है RPS, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट है। ये टेस्ट है इन्फेक्शन बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट की जांच करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ये एक ब्लड टेस्ट है, इसका कॉस्ट है 100 से 300 रुपया। सेवेंथ है UGC लेवल 1, ये एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, इसे किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाकर आप टेस्ट करा सकते हैं। इसे तीसरे माह में बच्चे का धड़कन सुन सकते हैं व इसका इमेज भी देख सकते हैं। इसका इमेज अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में भी लगता है और इसका कॉस्ट है 800 से 1000 रुपया। ब्लड टेस्ट व यूरिन टेस्ट के लिए किसी भी पैथोलॉजी सेंटर में आप जा सकते हैं या घर में बुलाकर आप टेस्ट करवा सकते हैं, रिपोर्ट भी घर में देंगे व इसे प्रेग्नेंट महिला करा सकते हैं अवश्य। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपको दोस्तों के साथ शेयर करें व आपके मन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो कॉमेंट करें नीचे।